वालेकुम दोस्तों क्या हाल है आपके मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो तमाम दोस्त हैं वो खैरियत से होंगे तो दोस्तों वीडियो का जो है आगाज़ करते हैं आज जो है मैं आपके लिए एक रिश्ता जो है वो लेकर आया हूँ ये जो ख़ातून है जिनका रिश्ता मैं आपको अभी जो है बताने जा रहा हूँ इनका नाम है महरीन बीबी तो महरीन बीबी जो है हमारी बहन इनका रिश्ता है तो महरीन बीबी जो है ये एक तलाक याफ्तर ख़ातून है इनकी तलाक हो चुकी है और जो है इनकी तलाक हुए दो साल का सा हो गया है और इस वक्त जो है इनकी उम्र जो है वो फोर्टी जो है टू जो है बैतालीस साल यानी कि इनकी जो उम्र है इस वक्त है इसके अलावा जो है ये ख़ूबसूरत हैं इनकी जो हाइट है वो पाँच फुट एक इंच है अच्छे ख़ानदान से हैं पढ़ी लिखी फैमिली से हैं और इनके जो हैं दो बच्चे हैं दो यानी कि दोनों बेटियाँ हैं और जो हैं वो दोनों बेटियाँ वो इनके साथ ही रहती हैं तो यानी किलीहदगी के बाद यानी कि शोहर से जो है तलाक़ के बाद इनकी बेटियाँ अनी के साथ रहती हैं तो इसके अलावा जो है इनकी तालीम जो है मेरी बीबी की जो है ये मैट्रिक तक पढ़ी हैं दस जमातें यानी के पास हैं अच्छी जो है फैमिली से महजब घराने से इनका ताल्लुक है और इस वक्त ये कराची शहर में रहती हैं अपने जो है पेरेंट्स के घर पे वालदान का तो इंतकाल हो गया है छः बहन भाई हैं ये जो है इसके अलावा तीन बहनें जो हैं इनकी जो है अभी शादी नहीं हुई बाकी जो हैं शादीशुदा हैं ये दो भाई हैं तो इसके अलावा जो है इनके जो भाई हैं मोहम्मद साहब वो ये चाहते हैं कि अपनी जो ये बहन है महरीन उनकी वो शादी कर दें तो इसी सिलसिले में जो है वो चाहते हैं कोई ऐसा जो है रिश्ता कि लड़का जो हो उसकी जो उम्र है वो पचास साल तक हो पहली या दूसरी या तीसरी भी जो है वो शादी करना चाहता हो तो इनसे रबता कर सकता है तो लड़का जो है मुसलमान होना चाहिए जात बरदरी कोई भी हो पाकिस्तान के जो है शहर किसी भी शहर में रहता हो तो इनसे रबा कर सकता है तो इनसे राबता करने के लिए आप व्यूअर्स से गुजारिश है कि अपनी तमाम तरफील के साथ अपना मोबाइल नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दें हम इन शाह बहुत जल्द आपसे राबता कर लेंगे अगर आपके नसीब में हुआ तो यह रिश्ता आपके लिए जरूर खुशियाँ लेकर आएगा इसी के साथ हमें इजाज़त दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए शुक्रिया